पेशेंट आ रहे ने, दवाइयां फ्री मिल रही ने और दवाइयां साढ़े कोल हैगियां ने। जी आई फ्लू दे केसेस आ रहे ने क्योंकि इस बार जिहड़ा मौसम है वो बैक्टीरिया वायरस फंगस के फलन वास्ते बहुत वधिया रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पई, बारिश हुंदी रही टाइम टू टाइम, जिहड़ा तापमान है वह 35-37 डिग्री के नेड़े तेड़े रह रहा है, तो उमस बहुत है मौसम च, इसीलिए सारे वायरस तो बैक्टीरिया इस मौसम च वधदे फुलदे ने। आई फ्लू अपने आप ठीक हो जाता है, ये वास्ते बहुत ज़्यादा कुछ डरन वाली गल नहीं है, ये ये नहीं है कि तुसी डरन लग जाओ। फैलदा किवें है, जदों तुहानूं फ्लू हुंदा तुसी अखां नूं हाथ लाने हो बारी बारी, तो उही हाथ तुहाडे जिहड़े हुंदे आ तुसी अपने तौलिए रुमाल नूं या तुहाडे कोल जिहड़ा समान पिया हुंदा उहनूं छूने हो, तो जिहड़ा कोई ऐसा इंसान जिहनूं फ्लू नहीं हुंदा तुहाडे उह समान नूं हाथ ला के अपनी अखां नूं हाथ ला ले, इस तरह फैलदा है। तो मेरा यही कहना है कि तुसी अखां नूं हाथ वारी वारी ना लाओ, इहदा इक्को ही परहेज है। दूसरा, इस तो सब तो वड्डा एक भ्रम है कि काला चश्मा लगा के एक दू फ्लू नहीं हुंदा, ये नहीं है। काला चश्मा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिन्हों फ्लू हुंदा है वह धुप्प वाल नहीं देख सकता या लाइट वाल तेज दिक्कत हुंदी है, तो जे हवा भी लगे अखां नूं उहदे नाल पानी बहुत आता है, तो ये एक दूसरा भ्रम भी एक दूसरे नूं देख के फ्लू फैल जाता है, इस तरह नहीं है, इहो जिहा कोई नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है। पेशेंट आ रहे ने, दवाइयां फ्री मिल रही ने और दवाइयां साढ़े कोल हैगियां ने, हर उम्र दे आ रहे ने, बच्चे भी ने, बुजुर्ग भी ने, यंग वाले भी ने। तो मेरी एक अपील है माँ बाप नूं कि जिन्हां दे बच्चों नूं फ्लू हो रहा है, थोड़ी जी भी तुहानूं लाली नज़र आए, सरकारी हॉस्पिटल या अपने नेड़े दे हॉस्पिटल जाके डॉक्टर नूं दिखा लो, तो बच्चे नूं स्कूल ना भेजो क्योंकि फिर क्लास में जो बच्चे बैठते एक तो दूसरे नूं हुंदा है। इसी तरह जिहड़े वड्डे ने वो कॉलेज ना जान, तो भीड़ भड़ाके वाले जो बाज़ार च या कुछ दो तीन दिन ना जान, इहदा इहनूं बस कंट्रोल करन दा या फैलन तो बचन दा इक्को ही तरीका है। ये देखो जी, जो थोड़ा जिहा मौसम बदलिया हुमस घटी तो वायरस ने आपे ख़त्म हो जाना, ये थोड़े दिन च कंट्रोल हो जाएगा, ये वास्ते कोई घबराने की लोड़ नहीं है।